जिला बिलासपुर में बच्चों में प्रतिदिन नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे बच्चों के अभिभावकों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। लंबे अरसे से बिलासपुर नगर सुधार समिति बिलासपुर ने पुलिस के साथ मिलकर नशे के सौदागरों को गिरफ्त में लाने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चे तो पकड़े जाते थे, मगर इस कारोबार से जुड़े लोगों के गिरेबान तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंचने के कारण उन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा था। बिलासपुर के डियारा सेक्टर में पुलिस ने एक घर को चारों बिलासपुर नगर सुधार समिति की कार्यकारिणी की उपस्थिति में घेरा डाला और घर की तलाशी ली, जिसमें चरस 6 ग्राम जबकि चिट्टा 4 ग्राम मिला, मगर घटना स्थल पर से पुलिस को 19 मोबाइल मिले, साथ में आधुनिक भार तोलक उपकरण व एक छोटा तराजू भी बरामद किया गया। इस दौरान कुछ ऐसे रासायनिक उपकरण भी बरामद हुए जिनका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि आरोपी चिट्टा स्वयं ही तैयार कर उसे सप्लाई करता था। जो मोबाइल बरामद किए गए हैं वो स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के हैं। जब बच्चों के पास नशीले पदार्थ खरीदने के लिए धन नहीं होता था तो वो आरोपी उनके मोबाइलों को गिरवी रखकर उन्हें नशीले पदार्थ देता था। बिलासपुर के SP अशोक कुमार का कहना है कि इस व्यक्ति के पास से बेशक कम मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं, मगर जांच के दौरान पुलिस को पूरे गिरोह के पकड़े जाने की उम्मीद है। जो मोबाइल पकड़े गए हैं उनकी जांच कर उन बच्चों का पता लगाया जाएगा जिन्होंने नशीले पदार्थों को प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल गिरवी रखे थे। पुलिस ने एक अभियान चलाया है जो नशे के कारोबार करते हैं उनके खिलाफ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल लगभग 30 केस हुए थे, अभी तक जो टिल डेट 46 केस हो चुके हैं। स्पेशली पुलिस का ध्यान केंद्रित है उन लोगों की तरफ जो चिट्टे का व्यापार करते हैं और जो स्कूल कॉलेजेस में नशे की सप्लाई करते हैं। इसमें पिछले लगभग एक महीने में हम लोगों ने तकरीबन 20 से 25 लोगों को अरेस्ट किया है और ये पुलिस का अभियान जारी रहेगा। मेरी जनता से दरखास्त है कि अगर आपके आसपास किसी इस तरह की कोई आपके पास सूचना है तो पुलिस के साथ शेयर करें और नशे को उखाड़ने में पुलिस के साथ साथ समाज की मदद करें। ये सभी से हमारी आशा है। अच्छा सर, आज पुलिस ने रेड करी है, उसमें नशीले पदार्थ मिले हैं, इसके अलावा करीब 20 मोबाइल भी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज बिलासपुर शहर में एक रेड की है। ये पहले इस व्यक्ति को पहले भी अरेस्ट किया था पुलिस ने लगभग 15 दिन पहले, और उसके पास से काफी मात्रा में मोबाइल फोन मिले हैं, लगभग 19-20 मोबाइल फोन मिले हैं, स्मॉल क्वांटिटी में चरस और चिट्टा भी मिला है।